माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, उनके समक्ष गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट दोनों के प्रमुख यहाँ खड़े हैं और ये दोनों अपने संदर्भ समर्थन के संदर्भ में बताएंगे। उसके बाद माननीय कैलाश जी आपको संबोधित करेंगे। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा एक्चुअली आज हम बहुत खुश हैं और जितना भी आज हम यहाँ पहाड़ से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और बीजेपी दल और गोरखा लिबरेशन फ्रंट हम एक ही साथ यहाँ प्रेजेंट हुआ है कि हम लोग 10 साल आगे से भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस होके काम कर रहे हम लोगों ने दो एंड वी हैव आवर अनकंडीशनल सपोर्ट टू द भारतीय जनता पार्टी टुडे एंड ऑल्सो इन द नियर फ्यूचर ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर पीपल ऑफ दार्जिलिंग आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट आवर यंग एंड वेरी एंटरप्रूनिंग enterprising and able youth Gorkha leader Raju Bist, and we would make sure working along with all our friends that he wins with a landslide margin, as Bharatiya Janata Party will repeat its hat-trick parliamentary seat from that. Raju Singh wahan ke sansad bankar baki choti choti samasyaon par bhi apna kaam karenge. Meri aur se Raju Singh ko bhi badhai aur dono hi dalon ke hamare नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जनमुक्ति मोर्चा और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के हमारे पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमेशा की तरह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार श्री राजू सिंह बिस्ट को बनाया है और दोनों ने अपनी सहमति दी है और ये भी कहा है कि हम पहले से ज़्यादा वोटों से राजू सिंह बिस्ट को जिताएंगे। मैं एक बार फिर से दोनों ही दलों के प्रमुख नेताओं को धन्यवाद देता हूं और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारे पुराने संबंध रहे हैं और हमेशा आपके साथ हमारी सहानुभूति रही है, भले ही टीएमसी के इतने अत्याचार हुए उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर आपकी मदद की, भविष्य में भी आपकी समस्याओं को बहुत ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अध्यक्ष जी और केंद्रीय बाकी सब टोली और साथ ही बंगाल की अपनी बीजेपी की टोली उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ ही दोनों पार्टियां जो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है और उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं उनको भी। और बहुत सारी समस्याएं हैं, पहाड़ की अपनी समस्या है, सिलीगुड़ी की अपनी समस्या है, लेकिन सबके साथ मिलकर तालमेल बिठा करके मेरा ये कोशिश रहेगा कि हम पहाड़ की जो अपनी समस्या है उनको भी हम ठीक करें और सिलीगुड़ी की जो समस्या हम उनको भी ठीक करें और एक विकास के रोल मॉडल पर हम पश्चिम बंगाल को ले जाएँ, दार्जिलिंग को और सिलीगुड़ी को ले जाएँ। ये अपने आप में एक चुनौती भी है और इस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूँ और आने वाले टाइम में ये सब मैं करके दिखाऊंगा। बहुत सारे सेवा के काम करने का मौका मुझे पहले भी मिला, इस नाते मुझे पहाड़ की भी अच्छे से जानकारी है, नॉर्थ ईस्ट और पूरी बंगाल की भी काफ़ी नॉलेज है, तो उन सब नॉलेज को एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी का विकास करूँ। भैया नीचे